हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग भर्ती हो रही है। 595 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। 595 परमानेंट पोस्ट है सभी के लिए, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसलिए सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। आगे बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन कवर करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, पोस्ट की नेम क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या है, लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की, और बाकी की बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, सभी डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट काफ़ी सारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, हिंदी, इंग्लिश और लास्ट में योग, मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो लास्ट में यहाँ पर नजर आ रही होंगी आपको इस कॉलम में। और इधर पे स्केल ऑफर जो हो रही है वो नजर आ रही है सबसे लास्ट कॉलम में। तो सब्जेक्ट्स जो है हिंदी, इंग्लिश, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिकी शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य विधि, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, गृह विज्ञान, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, लोक प्रशासन, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, वेद, ज्योतिष, सूचना प्रौद्योगिकी। टोटल 595 पोस्ट है यहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर में नजर आ रहा होगा। और जो पे स्केल है वो ऑफर हो रही है वो भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है और किन पोस्ट के लिए है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2 सितंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। प्राध्यापक पोस्ट के लिए प्रोफेसर, जो कि मीन्स कॉलेजेस में, तो इस तरीके से काफ़ी पोस्ट हैं। अब इसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, इसकी जो एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पोर्टल ओपन होगी वो होगी 13 सितंबर 2021 से, 13 सितंबर प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 सितंबर से पोर्टल ओपन की जाएगी, जो कि 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बाकी की जो एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। 78 पेजेस की पीडीएफ है, इसको पढ़ना बहुत ही वक्त लगने वाला ये है। बट इसमें जो सेकेंड पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वेतन मैट्रिक्स नज़र आएगा 37,400 से लेके 67,000 की पे स्केल लेवल 14 पर और 10,000 की एजीपी एनुअल ग्रेड पे। तो ये जो लेवल 14 पर अगर यूजीसी 7 पे स्केल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर सैलरी बनती है। बट फर्स्ट 3 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और उसके बाद इसको परमानेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में सैलरी थोड़ी कम होगी जब तक प्रोबेशन पीरियड में है, तो इसके बाद उसे परमानेंट भी किया जाएगा। प्रोबेशन को इन्होंने कुछ हिंदी में परिवीक्षा अवधि बुलाया है। नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट खो में पेज नंबर 3 पे, परिवीक्षा अवधि के समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब कर्मी का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। तो इस सब इन सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल प्योर हिंदी में लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड खत्म होने पर पद स्थायी किया जाता है, मीन्स परमानेंट पोस्ट किया जाएगा जब प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाएगी और तब इस पे जो है पे स्केल ऑफर की जाएगी। तब तक में एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाएगी, जो क्योंकि प्रोफेसर पोस्ट है तो जरूर 70,000 जरूर होगी। अब इसमें से हम पहले इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं। संगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो तो पीएचडी होनी चाहिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। सपोज आप केमिस्ट्री में डालना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो सबसे पहली चीज़ पीएचडी हो जानी चाहिए आपकी, हो गई होनी चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स का रिसर्च पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड साथ में रिसर्च पब्लिकेशन के साथ में 10 ईयर्स का टीचिंग या फिर ये रिसर्च एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इक्विवेलेंट में होना चाहिए। इसके अलावा
पद का नाम यहाँ पर आप देखें, पद का नाम प्राध्यापक या फिर आप प्रोफेसर बोल सकते हैं। तो मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे पहले होते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, तो ये हाईएस्ट रैंक प्रोफेसर हो गई। अब इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 45 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी अब यहाँ पे 50, 55 ईयर, 60 ईयर लेडीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, या फिर डाइवोर्सी के लिए, एसटीएससी के लिए, इन सब के लिए अलग अलग एज लिमिट दी गई है। साथ ही साथ रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, एप्लीकेशन फ़ी मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो नॉमिनल चार्जेस ही होते हैं। हाँ, यहाँ पर त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपीज़ का जिक्र किया गया है कि जब भी करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, एप्लीकेशन फिल होने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो 100 रुपीज़ करेक्शन विंडो के लिए लिया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए अगर आप में से किसी को नज़र आती है एप्लीकेशन फ़ी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी है, यहाँ पर ही आपको फर्स्ट में मिल जाएगी सारी डिटेल्स। एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट हो सकती है, इंटरव्यू हो सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। रिटन टेस्ट के लिए जो पूरी सिलेबस है वो यहाँ पर दी हुई है, तो ये पूरी सिलेबस सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से दी हुई है, इसीलिए 78 पेजेस की है। तो पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ, 13 सितंबर 2021। अब बाहर के कैंडिडेट, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाहर के कैंडिडेट इसे एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। तो पेज नंबर 2 पर आप चले आए, लेफ्ट हैंड साइड में जब आपको 0.5 रिक्तियों में आरक्षण में 0.5 पे सेकेंड नंबर पॉइंट सब पॉइंट 2 छत्तीसगढ़ राज्य के उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब हो गया कि बाहर के कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे यहाँ पर, लेकिन उनको कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल होंगे, यहाँ वहाँ के रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे उनको दी जाएगी। बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डालेंगे कि आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो इस तरीके की है डिटेल्स यहाँ पर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे पढ़ लेना है आपको पेज नंबर 2 पे। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन एवं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा पल घोषित होने के बाद इनएलिजिबल पाया जाता है, तो उसके द्वारा दी गई कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है, तो उसका उसकी अभ्यर्थिता या चयन परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा। तो सपोज आप अच्छी तरीके से इसे नहीं पढ़ते हैं, अगर आप इनएलिजिबल हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाते हैं, तो भी आपको यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर आपने ठीक से एप्लीकेशन डालते वक्त इसको पढ़ा नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और बाकी सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक आप स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक कहीं ना कहीं अवेलेबल मिलेगी।